हाय फ्रेंड्स माई सेल डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है किडनी एट्रोफ़ी मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं इसके कॉज़ क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आखिर किडनी एट्रोफ़ी क्या होता है तो अगर किसी पर्सन का जो किडनी है उसका साइज़ छोटा होने लग जाए या फिर किडनी श्रिंक होने लग जाती है जिसके वजह से किडनी के जो फंक्शंस है वो एबनॉर्मल होने लग जाते हैं तो उसी कंडीशन को किडनी एट्रोफ़ी कहा जाता है अब मैं आपको इसका सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को किडनी एट्रोफ़ी हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट सिम्टम ये है कि पर्सन का जो यूरिनेशन की फ्रिक्वेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होने लग जाती है पर्सन की जो स्किन है वो डार्क होने लग जाती है उन्हें ड्राउज़ीनेस बहुत ज़्यादा स्लीपी टाइप का फील होता है ऐसे पर्सन को स्किन में इचीनेस फील होने लग जाती है ऐसे पर्सन को लॉस ऑफ एपेटाइट की कंप्लेंट हो सकती है उनको बिल्कुल भी खाना खाने की इच्छा नहीं होती है ऐसे पर्सन को मस्क्यूलर क्रैम्पिंग हो सकता है नोजिया वॉमिटिंग जैसी कंप्लेंट हो सकती है स्वेलिंग होने लग जाती है हाथ और पैरों में इसके अलावा अगर किसी पर्सन को किडनी एट्रोफ़ी हो रही है तो ऐसे पर्सन की बॉडी में क्रिएटन का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग जाता है इसके साथ ही साथ ऐसे पर्सन की बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस भी हो सकता है अब आप मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन की किडनी एट्रोफ़ी होने का तो इसके मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं ये एक सडनली स्टार्ट होने वाली बीमारी है अचानक से पर्सन को सिम्टम्स आने लग जाते हैं किडनी एट्रोफी होने का फर्स्ट इंपॉर्टेंट रीज़न हो सकती है इंजरी इसके अलावा अगर आपका कोई टॉक्सिन से एक्सपोजर हुआ है तब भी पर्सन को ये कंडीशन हो सकती है इसके अलावा कई सारी बीमारियों के बाद भी पर्सन को ये कंडीशन होने लग जाती है जैसे कि अगर किसी पर्सन को ट्यूबर कलॉसिस हुआ था या फिर किसी पर्सन का जो आर्टरीज है वो नैरो हो चुकी है किसी पर्सन को सिकल सेल एनीमिया कैंसर जैसी बीमारी है तब भी उनको ये कंडीशन हो सकती है ये कंडीशन होने के लिए कुछ रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे कि अगर किसी पर्सन को डायबिटीज़ हुआ है या फिर किसी पर्सन को फैमिली में हिस्ट्री है हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है हार्ट डिजीज़ का हिस्ट्री है तो ऐसे लोगों को भी ये कंडीशन हो सकती है अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं तो मेडिसिन जैसे कि आप कोना वलेरिया थर्टी मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं आप बेलाडोना थर्टी मेडिसिन या फिर आप और यूरेटिकम थर्टी मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं ये सारी के सारी मेडिसिन आपको फोर फोर ड्रॉप दिन में दो बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ करना होगा सो so फ्रेंड्स ये था किडनी एट्रोफ़ी मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं इसके कॉज़ क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं मैं आपको रिप्लाई करूँगी तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू